क्या सच में बिजली ने महल में ले लिया तारा का स्थान? आया सीरियल गाने वाला ट्रैक बेहद इंटरेस्टिंग और दिलचस्प के साथ साथ शानदार भी होने वाला है, क्योंकि अब बिजली धीरे धीरे तारा बनने की कोशिश कर रही है और जिसके वजह से दुर्गावती, ध्रुव और शौर्य बेहद खुश हैं। लेकिन एक शख्स इस महल में है जो बिजली के बदलते रूप की वजह से बेहद परेशान है, और वो कोई और नहीं बल्कि खुद सूर्य प्रताप है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अब सूर्य प्रताप बिजली के खिलाफ कौन सा लेने वाले हैं बड़ा फैसला? वेल, तो चलिए देखते हैं आप सभी का मनपसंद सीरियल ध्रुव तारा समय सदी से परे के आने वाले एपिसोड में क्या कुछ नया खास अपडेट मिलने वाला है। हालांकि हम सभी ने पिछले ट्रैक में देखा था कि किस तरीके से बिजली ध्रुव से कहती है कि अब तुम्हारा पोल खुल चुका है और अब मैं ये महल छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि वो तो बिजली है, वो भी कुछ भी कर सकती है, जिसकी वजह से ध्रुव बेहद परेशान है। लेकिन अभी सीरियल का आ चुका है लेटेस्ट ट्रैक सामने, और ट्रैक में आप सभी को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो बिजली रहती है वो गुस्से में महल से बाहर निकलने ही वाली रहती है, तब तक उसके सामने कोई और नहीं बल्कि खुद शौर्य आ जाता है, और शौर्य आके बिजली को एक प्यारा सा झप्पी देता है जिसकी वजह से बिजली को एक अलग सा एहसास होने लगता है। लेकिन तभी वहां आती है दुर्गावती, और दुर्गावती बिजली का शुक्रिया अदा करते हुए नजर आती है। वो कहती है कि महल में रुकने के लिए शुक्रिया, क्योंकि तुम्हारे रुकने से मेरे शौर्य के उपचार में काफी मदद मिला है, और तुम्हें ध्यान होना चाहिए कि तुम अब महल में तारा का स्थान ले रही हो। लेकिन अब दूसरी तरफ आप सभी को देखने को मिलेगा कि सूर्य प्रताप को बहुत गुस्सा आता है बिजली के बदलते रूप से। वो मानसिंह के सामने कहते हैं कि ये एक नौटंकी वाली मेरी महारानी बनी, यानी कि मेरी तारा का स्थान कभी नहीं ले सकती, जिसकी वजह से सूर्य प्रताप कुछ ऐसा फैसला लेने वाला है जो हर किसी को हैरान कर देगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी अपनी फेवरेट सीरियल के अपडेट जानने के लिए देखते रहे फिल्मी बिट, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ भी हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें।